2 घंटे के 2 दमदार ट्रेडिंग कॉल्स। निलेश बताइए आपकी तरफ से ट्रेडिंग आइडियाज। बिल्कुल पूजा जी, देखिए दोनों ही खरीदारी के काउंटर हैं। सबसे पहले खरीद के चलने की सलाह होगी अपोलो हॉस्पिटल को। काफी अच्छा ब्रेकआउट हमें यहाँ पे आता हुआ नजर आ रहा है। पिछले लगभग 1 महीने की जो रेंज थी उसको पार करता हुआ नजर आ रहा है, तो करंट लेवल पे अपोलो हॉस्पिटल को खरीद के चलने की सलाह होगी। ऊपरी स्तरों पर 45-50 तक के टारगेट को ध्यान में रखकर चलना होगा। 44-10 4410 का स्टॉप लॉस होगा। वही जो दूसरा स्टॉक हमें पसंद आ रहा है, देखिए आईटी स्टॉक्स का हम जिक्र कर रहे थे, L&T इन्फोटेक। इस पर्टिकुलर काउंटर में भी काफी अच्छा रिवर्सल हमें देखने को मिल रहा है, तो करंट लेवल पे L&T इन्फोटेक को खरीद के चलने की सलाह होगी। 4700 तक की अपसाइड हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं एंड 4540 4540 का स्टॉप लॉस रखना होगा। ओके, तो अपोलो हॉस्पिटल और LTI ये 2 स्टॉक्स हैं जहां पर कि आप नजर रख सकते हैं। खरीदारी करने की सलाह दोनों ही स्टॉक्स में। स्टॉक्स काफी अच्छे लग रहे हैं और कुछ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी इस वक्त दिखाई दे रहे हैं, और IT स्टॉक्स में हम देखेंगे एक अच्छी खरीदारी भी दिखाई दे रही है। पिछले कुछ मिनटों में हमने देखा, एक बार निफ्टी IT इंडेक्स आपको दिखाते हैं। देखिए अब 0.25% ऊपर आ चुका है। इसमें मिड कैप IT स्टॉक्स में भी अच्छा गेन है और लार्ज कैप भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो IT स्टॉक्स है जो कहीं ना कहीं बाजार में आज संभालने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें टेक महिंद्रा देखिए, HCL टेक, इन्फोसिस, ये सभी टॉप गेनर हैं और अच्छी बाइंग इस वक्त यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपने IT स्टॉक्स शेयरों के बारे में भी बात की निलेश, कोई स्पेसिफिक स्टॉक है जो कि अभी इस वक्त आपको अच्छा लग रहा है मिड कैप में या फिर लार्ज कैप में जहाँ पर अभी आप कोई ट्रेड देख रहे हैं? बिल्कुल पूजा जी, देखिए यहाँ पे आईटी इंडेक्स में हुआ ये है कि इस वर्ष की शुरुआत से हमने एक ग्रेजुअल डिक्लाइन देखा है और वन ऑफ दी वर्स्ट सेक्टर हम कह सकते हैं जहाँ पे सबसे ज्यादा अंडर परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल रहा है फॉर द कैलेंडर ईयर 2022। तो इस गिरावट के बाद अब इन लेवलों पर आईटी काफी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पर है। डाउनसाइड यहाँ पे लिमिटेड है। अगर पोजिशन पर्सपेक्टिव से भी देखें तो आईटीज में थोड़ा सा ज्यादा कंफर्ट नजर आ रहा है। दिग्गज कंपनियों की अगर हम बात करें तो TCS, इंफोसिस और HCL टेक, ये तो कंटिन्यूज टू रिमेन हमारी प्रीफर्ड बेट जिसे हम कह रहे हैं वो तो है ही है। उसके अलावा कुछ चुनिंदा मिड कैप एंड स्मॉल कैप आईटीज पे काफी अच्छा एक्शन हमें देखने को मिल सकता है। LTTS, LTI, उसके अलावा आप माइंडट्री देख लीजिए, तो यहाँ पे जो पुल बैक है वो कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। FSL, KPIT, ये कुछ एक चुनिंदा छोटी बजौली कंपनियां हैं, वहां पे एक पुल बैक की हम यहाँ पे उम्मीद लगा के रख रहे हैं और ओवरऑल निफ्टी आईटी इंडेक्स यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल के संकेत दे रहा है। बिल्कुल, तो ये व्यू IT में आपको दे दिया गया, कुछ चुनिंदा स्टॉक्स भी अभी आपको निलेश बता रहे।